लोकसभा सांसद प्रणीत कौर ने बयान दिता है, कहा कांग्रेस दे विच होई बगावत पिछे नवजोत सिंह सिद्धू ने हाईकमान इस मामले का गंभीर नोटिस लवे। पंजाब कांग्रेस बगावत से प्रणीत कौर सामने आंदिया एक वड्डा बयान दिंदे ने, कहिंदे ने कि इस बगावत पिछे हथ ही नवजोत सिंह सिद्धू का। For the party. Of course he is. If they are his, he is the one who started. It's his advisors. I just said that the CM showed great maturity, great largeness of heart. Once the decision had been taken by the high command, Sindhu was coming. CM said, "Yes, it's the Congress president's decision. I abide by it." So they should also fall into line. This is not a time to rake up all these things. You rake them up at the party platform and go ahead. We want a united Congress to fight the election. So सांसद प्रणीत कौर नूं तुसीं सुणिया, जिन्हां ने साफ कीता है कि इस पूरी बगावत पिछे नवजोत सिंह सिद्धू ही ने। उन्हां ने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाईकमान के हर निर्णय नूं, हर फैसले नूं सिर मत्थे रख्या। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का भी माण रख्या जो सिद्धू नूं प्रधानगी दी गई। हाईकमान वालों यह फैसला आया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कई बैठक भी नवजोत सिंह सिद्धू नाल कीतियां। उन्होंने दसे रोस्टर नूं भी उन्होंने प्रवानगी दी। ये तमाम चीज़ा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह करते हैं तो दूजे धड़े का, दूजे ग्रुप का भी यह फर्ज बनता है कि उन्होंने वालों भी एक हद के विच रह के गलबात की जाए। जे उन्होंने कोई मसले ने तो वह पार्टी प्लेटफॉर्म से चुके जाने चाहिए सी, ना कि इस तरह। प्रीत कौर ने कहा कि यह समा सी कि असी इकट्ठिया चोणों वल वधे, ना कि इस तरह। तो हुण उन्होंने हाईकमान नूं भी यही अपील की है कि इस दे गंभीर नोटिस लवे। इसे खबर से साढ़े नाल गलबात करन दे लई जुड़ गए ने कांग्रेसी बुलारे प्रितपाल सिंह बलियेवाल जी। बलियेवाल साहब बहुत स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। बलियेवाल साहब, सब कुछ ठीक नहीं है पर जो ठीक हो सकता सी फिलहाल वह भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आउंदी। 2022 दीआं चोणां सिर ते ने, पार्टी तां आपो तापी जे विच पई होई है, पंजाब दी गल कदों करांगे? देखो अमृत गल यह है कि असी कल भी क्लीयर किया ते हुण भी क्लीयर करते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो कद दे विच पंजाब दे विच कोई आगू सहबान नहीं है। मुख्यमंत्री पंजाब ने उह ते मुख्यमंत्री ते इह कोई नहीं करते ने भी सदीका कि जे किसी दिक्कत से तकलीफ है वो साढ़े को आओ, पर बयानबाजी करके हाईकमान को जाओ तो यह सानू भी बर्दाश्त नहीं होगी। गल यह है कि जे नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह मंजूर, नहीं उन्हों की कारगुजारी तो तुम नाखुश हो, अस्तीफा दे के कैबिनेट को बाहर आ जाओ। कल MLA को बुलाया गया तो फिर उस बार लैटर आ जाए ने MLA दिया कि असी तो होर कमां काजा नूं गया सी ते ओ करके यह भी षडयंत्र रचना है। मैनू नहीं पता कि इसके पिछे कौन ने कौन नहीं है। अभी तो आपके कैबिनेट मंत्री ने जिहड़े MLA साहबान ये गल्लां कर रहे हैं उन्होंने बेनती कर रहे हैं कि इकट्ठे हो जाइए, 2022 बड़ी सौखी जीती जाऊगी, बाद चो कर लाँगे गिले शिकवे दूर कर लाँगे। कि गल्लां ने पहला सरकार कितनी तां बनी है, तुसीं इत्थे बेसिकली ओपोजिशन पार्टियां लभदियां नहीं, अभी आपके घर के ओपोजिशन बना के बह गई। प्रितपाल साहब, तुसी कह रहे हो कि आपां कांग्रेस सरकार बनाउण वल वधीए, बाजवा साहब तां कल कह गए सानूं फ्यूचर ही डार्क नजर आउंदा है, कहिंदे असीं तां इसे करके चिंतित हां सरकार कित्थों बना लवांगे, कहिंदे असीं जवाब नहीं दे सकदे पब्लिक दे विच जाके जो असीं वादे कीते असीं पूरा कोई नहीं कीता। देखो गल इह है कि उहनां नूं आपदा फ्यूचर फिर भी डार्क लगदा होवे, क्योंकि चंडीगढ़ ज्यादा आ रहे ने, हल्के च घट गए ने, ठीक है, ते उन्हां नूं आपदा फ्यूचर दा नरक लगदा, बाकी कांग्रेसियां नूं तां आपदा फ्यूचर ब्राइट लगदा वा। जिन्हां ने काम कीते उन्हां नूं पता कि असीं जित जांगे, ते जिहड़े जित्तण वाले उह कैप्टन अमरिंदर सिंह कन्नी खड़े ने, जिहड़े दूर जाण जा रहे ने उन्हां नूं थोड़ा डर लगदा पिआ किते साडे MLA दी कुर्सियां कुछ, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड बनाए गए ने, नॉन परफॉर्मिंग लिस्टां बनाईआं गईआं कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों, ईवन हाई कमांड वल्लों वी, उह नहीं हो रिहा काम। बाकी वड्डी गल तां इह आ मालविंदर सिंह माली के जेडे कमेंट ने, जेड़ा पोस्टर है इंदिरा गांधी के प्रति, उहदा भी हजे तक इन्हां ने संज्ञान लेना। एक पासे असीं कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं, कांग्रेस की गल करते हैं,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਈ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਰੂਗੀ। चलो सब मालविंदर माली का सलाहकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह तो मुख्यमंत्री ने जिन्हों के खिलाफ अज हरीश रावत को दरबार सज चुके हैं पहुंच गए ने, विधायक भी पहुंच गए ने, तुहाडे मंत्री भी पहुंच गए ने, जो चार साढ़े चार साल तक बोले नहीं ते अज उन्हां नूं खोट नजर आउंदी है। मैं तो एक बेनती करता है अमृता, तुसीं मैनूं फोन करदे हुंदे सी कदी माइनिंग दे इशू ते, कितें गैंगस्टर दे इशू ते, कितें जेलां च मोबाइल ते नशा फड़न दे इशू ते, असीं तां उदों वी जवाब दिंदे सी, असीं तां मंत्रियां दी परफॉर्मेंस ते क्वेश्चन नहीं चक्किया। अज उह मुख्यमंत्री दे क्वेश्चन चक्कदे आ जिहड़े गन्ने दा भाव 360 करता, दिक्कत हो गई सर साढ़े चार साल बाद। मैं बेनती है, देखो साढ़े चार साल, पांच साल की सरकार होंदी आ, पांच साल काम करते लोगों ने दिते ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को, तो काम हो रहा। मैंने कल भी एग्जाम्पल दी, 520 करोड़ रुपया अभी माफ किया वा पे जमीनिया का, 4700 करोड़ किसानों का करता, महिलावान लिए मुफ्त सफर करता, तृप्त बाजवा जी है इन्हों के ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोशिश महिलावान 50% राखवा करते। इन्हों क्यों नहीं नजर आता सर, इन्हों क्यों नहीं नजर आती पार्टी जो वधिया काम करती है वह नजर नहीं आ रही पार्टी के अपने बंदियों नूं, जो चीजा नहीं हो रही वह असीं इस तरह हाईलाइट करें जिदा असीं विरोधी होईए। मैं तो बेनती उही कर रहा कि बाकी ओपोजिशन पार्टियां तो खत्म हो गई, दोनों ना अकाली लंबे ना आप लंबे बीजेपी का कही कि इन्होंने ना घरे ही ओपोजिशन क्रिएट कर ली, लोगों नूं तमाशा बना के दिखा रहे आप घर देख लो। असीं कह रहे हैं हरीश रावत जी जिस दिन आए थे उन्होंने जिस दिन सिद्धू साहब की ताजपोश थी क्या जी किसी को गिले शिफ्ट होया तेरे को आयो मेरी कुर्सी को ना लत मार दो कि कल इतों मार के गए हैं फिर अभी की कहिए अभी आप बड़े औखे हैं मेरे लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन आ अमृता मैं किसका पक्ष पूरा मेरा सब तो वड्डा आगू आ कैप्टन अमरिंदर सिंह मैं उन्हां नाल खड़ा या मंत्रियों नाल खड़ा घरे तुम कलेश पा लिया वर्करा को जाके पुछो वर्करा तो वर्कर इन्हां मंत्रियों ना कुछ ने कम नहीं होए बदलिया नहीं हुई अकालिया के बंदे इन्होंने ला के रखे अभी और आवाज चकते थे अभी हम ओपन चकते पे हैं साड़ी भी मजबूरी बन गई है बोलना चलो तुम साढ़े मुख्यमंत्री के खराब है जे शब्द वरतोगे तुम कहोगे साढ़े चार साल हो गए थोड़ू नाल बैठे हो ठीक है। प्रतपाल जी आप परिवार की गल करते हैं पर घर घर दिया गल्ला इस वेले कांग्रेस दिया घर दिया नहीं रही है क्योंकि एक तो सत्ताधारी धिरों तुसी सरकार हो इस करके पब्लिक प्लेटफॉर्म से इन्हां तमाम चीजा का सामने आना यह तो जग तमाशा तो होया ही होया पर पंजाब का भविख भी सानू खतरे च नजर आउंदा। बहुत शुक्रिया साढ़े नाल जुड़न दे लई। सांसद प्रणीत कौर ने इस पूरे विवाद से की कुछ कहा एक बार फिर तो सुन लैंदे आ। Of course he is, if they are his, he is the one who started, it's his advisors. I just said that the CM showed great maturity, great largeness of heart. Once the decision had been taken by the high command, Sindhu was coming, CM said, yes, it's the Congress president's decision, I abide by it. So they should also fall into line. This is not a time to rake up all these things. You rake them up at the party platform and go ahead. We want a united Congress to fight the election.